अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपकी अपनी होस्ट तारा और आप देख रहे हैं मॉर्निंग शो विद तारा रारा। वेलकम बैक, नई सुबह नए मेहमान। नई सुबह नए मेहमानों के साथ, जैसा कि आपको पता है, रोज़ाना नया टॉपिक होता है, नया टैलेंट होता है आपके सामने लेकर आती हूं अपने शो पर। तो ऐसे ही जो आज मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनका जो ताल्लुक है वो भी टिकटॉक की दुनिया से है और काफ़ी टैलेंटेड है। और यंगस्टर, जब मैं किसी यंगस्टर को देखती हूँ इन कामों में जो मेहनत करते हैं, रियल टैलेंट में देखती हूँ, तो मुझे बड़ी खुशी होती है और बड़ा फ़ख्र महसूस होता है। जैसा कि आज हमारे साथ मौजूद है कैसर नवाज़। वेलकम करते हैं अपने शो पे कैसर नवाज़ को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो अदा? अल्हम्दुलिल्लाह जी, आप सुनाइए। मैं बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा कैसर, मुझे ये बताओ पहले तो कि घर में क्या चल रहा है और लाइफ में क्या चल रहा है? जी दादा, इस वक्त तो लाइफ बड़ी बिजी चल रही है। घर में शादी का माहौल है, घर वाले बोल रहे हैं तभी आप थ्री पीस में ही आ गए, मुझे लग रहा है वलीमे से होकर आ रहे हैं। नहीं ऐसी बात नहीं है, असल में काम में मसरूफ़ हैं और घर वालों ने प्रेशर दिया हुआ, जल्दी करो, 3 महीने शादी में। तो किसकी शादी है? मेरी शादी है दादा। आप भी शादी कर रहे हैं? बस दिल कर रहा है। दिल शादी का भी बोला दिल होता है, बड़ी बात है। शादी तो करना मजबूरी है, क्योंकि मजबूरी नहीं, सुन्नत रसूल है, ज़रूरी है करनी। किसी की मजबूरी थी, किसी को। तो आप सुन्नत रसूल निभा रहे हैं या मजबूरी? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नत रसूल निभा रहे हैं। अच्छा, लव मैरिज है, अरेंज मैरिज है? लव मैरिज है। फिर तो खुशी होनी चाहिए आपको, तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा मुझे ये बताएं कैसर नवाज़, मुझे पता चला आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी हैं। जी दादा। और आप लैपटॉप भी रिपेयर करते हैं, आप फोन भी रिपेयरिंग करते हैं? जी, पहले मोबाइल का काम करते थे, वो छोड़ के आता तो है ना करना। जी, जी, आसरा तो दो ना हमें, ताकि कहीं भी खराब हो जाए तो हम रब्ता कर सकें। जी जी, बैठे हुए हैं इंशाल्लाह। पक्की बात है। मेरे घर में कैमरे नहीं चल रहे। बना देंगे, कैमरे का काम भी है, वो सीसीटीवी। जी जी, वो भी। तो फिर पैसे लोगे मुझसे आप? नहीं नहीं, आप पैसे कैसे लेंगे? मेहनत के पैसे नहीं लेंगे, जो सामान यार ऐसे भी सामान के भी तो जेब से भरो ना। अच्छा आप बोलिए तो बात देंगे। अरे 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 यार, मैं लाइव शो पे ना लोगों से तब बुलवा लेती हूँ, बाद में अगर ये मुकरे तो मैं वो वीडियो उनको भेज सकूँ। तो इसने डन कर लिया, बस अभी शो करो, शो करके चलो, अभी नहीं सुबह, अभी तो टूल नहीं है मेरे पास, टूल लेके आएंगे इंशाल्लाह। बस कल सुबह टूल लेकर आना है आपने मेरे घर पे इंशाल्लाह, और वहाँ पे मेरी जो गली के सीसीटीवी नहीं चल रहे वो देखना है क्या मसला है। जी जी, मुझे इंशाल्लाह बना देंगे। और सीसीटीवी कैमरा इस वक्त बनाना लाजमी है, चोरी बहुत हो रही है। तभी तो मैं भी बनवा रही हूँ ताकि चोरों को पता चल जाए तारा रारा के घर में कैमरे भी लगे हुए हैं, वो ताकि चोरी करने से पहले 100 बार सोचें। मेरी खुद कार का बैटरी निकल गया। आजकल तो चोर माशाल्लाह हमारे ऐसे हैं, वो पता है क्या करते हैं, कैमरे में आए करके चोरी करते हैं। वो भी मॉडर्न हो गए। हाँ ऐसा होता है, आएंगे और यूँ हाथ लाएंगे और फिर काम उतार के चले जाएंगे। उनको पता है हमारे यहाँ पे पूछने पुछाने वाला है नहीं, हमारी सरकारी आवाम, वो कहते हैं ना हमारी सरकार भी वीआईपी सरकार है। जी, वो भी हाई करके टॉपिक क्लोज करके घर भेज देते हैं। मेरे एक रिलेटिव हैं, अंकल है मेरे चाचा, तो वो सुबह किसी काम से जा रहे थे, उनका फ़ोन छिन गया, तो रोते रोते वो घर आ गए, यार मेरा फ़ोन छिन गया, छोटा सा है। तो मैंने चलो, आप बोलते हैं मेरा रिपेयरिंग का काम है, जो छिन जाता है वो लेके नहीं देता। नहीं, सिर्फ आपके साथ नहीं, ये सबके साथ है, टेंशन नहीं लो। तो दुख की बात नहीं है, इंशाल्लाह फिर ले लेंगे दूसरा। तो आपने लेके दिया चाचा को? आज ही हुआ है, तो इंशाल्लाह परसों लेके दे देंगे उसको। आप लेके देंगे? जी जी, चाचू है मेरे, लेके दे देंगे। क्या बात है, दुआएं देगा। अब चाचा जी, अगर आप मेरा शो देख रहे हैं तो इसी से लीजिएगा और किसी से किसी पे आसरा मत रखिएगा। जी जी बिल्कुल, चाचों के लिए जान हाजिर है। बस ओके है भाई, बड़ा अच्छी बात है कि आप लोग, जैसे मुझे भी अपने मामू से चाचू से बड़ा प्यार है, एक ही मेरा चाचू है, माशाल्लाह 3 मामू हैं, तो सबसे मेरा बड़ा प्यार है, क्योंकि बड़े भी हैं और दूसरा कुछ रिलेशनशिप्स ऐसे होते हैं जो बहुत सपोर्टिव होते हैं। जी ऐसा ही होना चाहिए, फैमिली के साथ बंदा ऐसे रहे ताकि बाहर जो दोस्त हैं उनके साथ भी हो और फैमिली के साथ भी। अच्छा दादा मुझे ये बताओ, आपने सुनने में आया है, सुनने में नहीं, आपने मुझे थोड़ी देर पहले बताया, झूठ क्यों बोलूँ मैं भी यार, मैं झूठ नहीं बोलती, कि आपने कुछ गाने भी किए हैं KTN पर? और जी KTN पे अल्हम्दुलिल्लाह 2-3 गाने किए हैं मैंने। कारो धागो पा छो पाया, वो तो आपको माशाल्लाह जिसने पहना हुआ होगा या आपने खुद पहना होगा कारो धागो, तो हम ऐसे रखते ही नहीं है, जो पहना है हम खुद ही मजारों पे जाके पहन लेते हैं, ये जो है ना फजूल है पहनाना पहनाने वाला। तो बस ऐसे सॉन्ग के टाइप हमने बनाया था, एक वो है हमारी अच्छी मॉडल है, हमें एक धागा YBQ ने भी पहनाया हुआ है, जब भी मैं इस धागे को देखती हूँ, हमारा यूसुफ बशीर कुरैशी मुर्शद है, कभी मिल तो तुझको बताएं हम, तुझे इस तरह से सताएं हम, उन्होंने ये धागा पहनाया है। और इसकी मांग बहुत लोगों ने मांगा है मुझसे, लेकिन उन्होंने मुझे कहा था तारा जब कोई मांगे दे देना, आप मुझसे आके और ले लेना, मेरा और आपसे डायरेक्ट वास्ता है,
लेकिन मेरा दिल नहीं करता मैं ये दूँ। माशाल्लाह। अच्छा मुझे ये बताएं कि आपको टिकटॉक का शौक़ कैसे हुआ, आपका एक सॉफ्टवेयर में फील्ड टिकटॉक मीडिया कहाँ रहा? असल में दादा सीन ये है कि 4 साल पहले जो ना ये नया ऐप आया और मैंने देखा, मैंने ऐप इंस्टॉल किया और मैंने सोचा यार लोग वीडियो बना रहे मैं भी बनाऊँ, तो साथ साथ टिकटॉक का भी काम चलता रहा और फिर मैं सब घर में फ्री बैठा हूँ तो काम भी करना लाजमी है। आप तो फिर टिकटॉक पे हैं, मेरे पास ऐसे ऐसे गेस्ट आते हैं जब मैं न्यू टैलेंट देखती हूँ वो म्यूजिकली 1900 गड़गड़े के ज़माने के होते हैं, तो मैं हंसती हूँ, मैं कहती हूँ यार कैसे उन म्यूजिकली के ज़माने के, मतलब इतना भी पुराना नहीं है म्यूजिकली, शायद मैं बहुत पुराना कर रही हूँ, 3-4 साल पहले आए थे। जी जी। तो टिकटॉक तो अभी आया तो लोगों ने टिकटॉक पे, हाँ मुझे बचपन से शौक था एक्टिंग का और मैं सोचा पहले मैं सिंगिंग करूँ, लेकिन सिंगिंग आवाज़ अच्छी नहीं तो मैं सोचा सिंगिंग को छोड़ूं, बाथरूम सिंगर मेरी तरह जैसे मैं भी घर बैठे डेग लगा मैंने सोचा अपने आप को हौसला दे रही होती हूँ, हाँ हाँ आवाज़ अच्छी है तारा गा सकती है क्योंकि अपनी आवाज़ के साथ वो डेग की आवाज़ मैच नहीं होती ना, थोड़ा दब जाती है, अच्छा नहीं लगता अपनी आवाज़, नहीं अच्छा लगता, नहीं अच्छी लगती आवाज़ अच्छी नहीं। फेवरेट सिंगर कौन है? मेरे फेवरेट सिंगर हैं सनम मारू साहिबा हैं और शमन मीर अली साहब हैं और भी दीगर हैं। आपने नाम उनके लिए हैं जो सिंध का किंग और सिंध की किंग जी है। बिल्कुल, मैं बहुत बचपन से शमन मीर अली साहब के सॉन्ग अच्छे सुनता हूँ, अच्छे लगते हैं मुझे। अच्छा फेवरेट टिकटॉकर कौन है आपका? मेरे फेवरेट टिकटॉकर हैं अक्सा हैं और मेरी हैं संदल खटक हैं और जुई हाशमी। संदल की भी शादी हो गई है? नहीं नहीं, जोई की तो शादी हो गई अभी। की तो हो गई शादी, अच्छी बात है, हो गई। अच्छी बात है, हो गई। और हमारे सिंधी सिंगर्स में कौन अच्छी है लड़कियों में? सिंगर्स में से सिंगर में एक हैं अदी फायजा अली हैं। अब तो सब अदी बोलेंगे। नहीं नहीं, वैसे भी अदी उनके रिस्पेक्ट करते हैं। वो अदी फायजा अली हैं और दूसरा वो हैं नारुदा मैडम हैं और एक और हैं मुझे दिमाग में नहीं आ रहा। सबा सर? नहीं नहीं, खुशबू लगारी, खुशबू खान है, खैरपुर मीरास की है, खुशबू खान अभी नई सिंगर बनी है। नई बनी है जी, बस हम भी फिर उनको सपोर्ट करेंगे अगर वो नहीं है। नहीं नहीं, आवाज़ अच्छी है माशाल्लाह उनकी, बहुत प्यारी आवाज़ है। सॉन्ग फेवरेट सॉन्ग आपका कौन सा है जो ज़्यादा सुनते हैं? मेरा फेवरेट सॉन्ग है काली काली जुल्फों से फंदे ना डालो, हमें जिंदा रहने दो, ए हुस्न वालों। जी ए हुस्न वालों, कहाँ हुस्न तो मैंने देखा ही नहीं है, ये गाने में हुस्न वालों आपने देखा है? नहीं। हाँ नहीं, ये गाना बहुत अच्छा है नुसरत फतेह अली खान का गाना, ये मैं अक्सर में ऑडियो में सुनता रात को जब सोता हूँ तो ये एंड फील लगा के ये सॉन्ग सुनता हूँ, मुझे अच्छे से नींद आ जाती है रोज़ाना डेली। क्या या कभी मूड ऑफ होता है कहीं पे अकेली जगह पे बैठ के जाके सॉन्ग सुनता हूँ, और जब किसी से लड़ाई होती है, जी जी लड़ाई होती है या किसी से नाराज़गी हो जाती है, किसी से क्या किसी एक से ही होगी, हर एक से तो हर एक की तो नाराजगी पे कोई दुख है, कभी घर वालों से नाराज होते कभी दोस्तों से, कभी पता नहीं है ना कभी कोई। फिर आपकी नाराजगी बड़ी खास है, हमसे तो कोई नाराज ही नहीं होता, हम क्या करें हंसते रहते हैं हर वक्त, अगर कोई नाराज होता भी खुद ही आके बैठ के मना लेता है क्योंकि उनको पता है हमने जो है, तंग हो रहे थे कुशन रख लिया आपने? नहीं दादा, ये बड़ा प्यारा सीन हुआ है, उसने कुशन उठा के गोद में रख लिया था, घर पे नहीं बैठे होते जैसे बात कर रहे थे यहाँ भाई और आप? नहीं नहीं, वैसे याद है हम घर में बैठते हैं ना, या मैं शॉप पे बैठा हूँ तो मेरा एक छोटा सा वो तकिया बने पीछे लगा, वो निकाल के मैं यूँ बस कस्टमर से बात करता हूँ यूँ करके, तो वो जरा सी आदत है। आदत सी है, चलो खैर है, कोई मसला नहीं, पीछे वाला भी आगे रख सकते हो। नहीं नहीं दादा, बस एक बहुत है, चेहरा छुप जाएगा। हाँ ये तो है। अच्छा भाई ये थे हमारे कैसर नवाज, बहुत अच्छे टिकटॉकर भी हैं, बहुत अच्छे काम भी कर रहे हैं, वीडियो सिंधी सॉन्ग्स वगैरह पे शूट भी काफ़ी किए हैं, और सबसे अच्छी बात ये है कि हमारे यंगस्टर सॉफ्ट इंजीनियर हैं और लैपटॉप भी बनाते हैं, मोबाइल भी ठीक करते हैं, कैमरा भी बनाते हैं, जिसको कुछ चीज़ बनवानी है तो इनसे रब्ता करें, सदर में इनकी शॉप है, और अगर ऑनलाइन रब्ता करना है तो आप ऑनलाइन कर सकते हैं, और मेरे रेफरेंस से करेंगे तो आपको 50% डिस्काउंट में काम करके देंगे, और मैं खुद रब्ता करूँगी तो मुझे फ्री में होगा, ये तो भाई डिसाइड हो चुका है। सही है, और मेरे RNN में कोई चीज़ मैं पूछ लेती हूँ अपना के कहते हैं हमारे जो भाई बैठे हैं इस टाइम, उनसे मैं पूछूंगी चेक करना कोई चीज़ ख़राब वराब हो ना, अगर अपना लैपटॉप ख़राब हो या कोई कंप्यूटर ख़राब है तो बैठा हुआ इसको दिखा दें, बना देंगे ज़रूर। सही है, ये पैसे भी नहीं लगेगा रियाज साहब को बता देना पहले जो है ना, हमें देख के मुझे चेक करके बताओ फिर हम इसको यहाँ से छोड़ेंगे। अच्छा क्या मैसेज दोगे अपने फैंस को, व्यूवर्स को, मेरे देखने वालों को? जी मैं सबको ये मैसेज दूंगा कि आप लोग अगर आप भी टिकटॉक करें तो आप भी ऐसे मेहनत करें, और दादा तारा हैं माशाल्लाह बहुत अच्छा शो करती हैं, उनको भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें, और ख़ुद भी अपना नाम बनाएँ,
और ऐसे मकाम पे आ जाएं ताकि लोग आपकी नाम सुन के ही आपकी तारीफ करें कि भाई ये बंदा है। पता नहीं हमारी तो बुराई होती है, अब ये तो तारीफ कौन करता है ये तो मुझे पता ही नहीं है। नहीं नहीं माशाल्लाह, जहाँ से भी आपका नाम सुना है तो आपकी तारीफ ही होती है दादा। ये तो मजबूरी शो लाइफ पे बोलना पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, वैसे भी माशाल्लाह आपका नाम है। मुझे तो पता ही नहीं है मेरा नाम है। तो आप तो वीडियोस अपलोड कर देते ना, जो देखते हैं वो करते होंगे ना। हाँ हाँ बिल्कुल, ये तो बात है। और आप कमेंट पढ़ेंगी तो आपको पता चलेगा। कमेंट तो इतने बुरे होते हैं, ना ही पूछो, पढ़ने को दिल, देखने को दिल नहीं करता। हम तो अच्छे कमेंट करते दादा। ये तो आपका प्यार है। और मैं कहती हूँ आप जब मशहूर होते हो तो लोग मीम्स भी बनाते हैं, लोग जी बिल्कुल ऐसा ही। और नाम है तो लोग तभी तो आपको तंग कर रहे हैं, तभी तो आपको वो कह रहे हैं कि जलते हैं कि ये क्यों फेमस है। तो अगर कोई कहता है ना यार ये हम पे मीम्स बना रहा है, बल्कि आज मैंने एक कोई वीडियो देखी टिकटॉक पे, मैं फॉर यू पे आई, एक लड़का है शायद दादू का है, वो मेरी पिक्चर्स की फ्रेम करवा करवा के घूम रहा है। तो मुझे वो बड़ा अजीब सा लगा, अजीब से लगा। इसलिए अगर आपको मिलना है आप आएँ कराची और कॉन्टेक्ट करें। मैं बहुत इज़्ज़त करती हूँ, बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ अपने डाई हार्ट फैन की जो इतना प्यार दिखाते हैं, देते हैं। तो आप लोग आएँ कराची, ये बाकी तस्वीरें लेके घूमने से और फ्रेम करवा के कचरे में पड़े होने से और आग अपने आप को लगाने से, अपने कपड़े फाड़ने से क्या मिलता है लोगों को। बिल्कुल, अक्सर ये ट्रेंड चल रहा है, लोग ऐसे ही कर रहे हैं। अब समझो आपसे मिलना है तो आपकी तस्वीर लेके घूमेंगे। कुछ दिन पहले हुआ था, रूबी अली की तस्वीर लेके एक बंदा घूम रहा था कि रूबी से मिलना है मिलना है, लेकिन उससे मिल लिया दादा रूबी ने। तो मिलना है, अब डायरेक्ट आ जाएँ। कपड़े फाड़ने से क्या होगा, कुछ नहीं होना, अपना नुकसान कर रहे हैं। तो ये तो एक ऐसे नवाज गाइज, इनको फॉलो करें, लाइक करें, सपोर्ट करें। और जिसको मेरे शो पे आना है वो आर एन एन न्यूज़ के इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, तारा स्टर्न गर्ल इंस्टाग्राम आईडी, उस पर रब्ता करें। मेरी तरफ से आपको रिस्पॉन्स कम मिलता है क्योंकि इतने सारे मैसेज होते हैं, सबको रिप्लाई देना मेरे बस की बात नहीं होती। इसलिए आप आर एन एन पे रब्ता करें, वहाँ पे हमारे डायरेक्टर साहब आपसे कॉन्टेक्ट करेंगे, प्रोफाइल्स भेजें और आप आ सकते हैं शो में। बाकी खुश रहें, आबाद रहें, अपना रखें बहुत सारा ख्याल, अपना प्यारों को रखें बहुत सारा ख्याल। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी नए मेहमान के साथ, नए आर्टिस्ट के साथ, आपके अपनी फेवरेट पर्सनैलिटी के साथ। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।